नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। अगर आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ट क्वेश्चन की। अगर मान लो कि हम एक बॉल को रिलीज करते हैं एच हाइट से, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 38 में हमने ये सीखा था कि हाइट जो है वो किस तरीके से अपने को फाइंड करनी है, कैसे हाइट अपन निकालेंगे, वो वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो वो हमने निकाला था वहां पर एज की वैल्यूज। यहां पर हम निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई अपन यहां पर इसको, कि आइए देखते हैं। तो जो हमने अभी तक सीखा उसके हिसाब से क्या था कि एच वन इक्वल्स टू अपने पास जो आएगा, देखो एच एन की जो वैल्यू थी वो क्या थी अपने पास, ई की पावर 2n इंटू एच। ठीक है, तो अगर मुझे एच वन की बात करनी है तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर 2h एज इट इज सेम। अगर मुझे एच टू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, e की पावर 4h। ठीक, एच थ्री फाइंड करना है तो e की पावर 6h एंड सो ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं इन सारी हाइट्स को ऐड कर देता हूं, समेशन कर लेता हूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस को मैंने बोला डी, तो डी होगा क्या, डी होगा आपका एच प्लस ट्वाइस ऑफ एच वन प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू। अब ट्वाइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी हाइट ये गया उतनी हाइट से ये वापस आएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला जो आपका रिबाउंड हो रहा है इसमें क्या होगा आपका 2h1, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए यहां पर कितना होगा h2, h2 में कितना होगा ट्वाइस कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ h2 एज इट इज सेम ट्वाइस ऑफ h3 एंड सो। ठीक, अब यहां पर वैल्यूज रख देते हैं भाई अपन इसमें कि h प्लस 2, h1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास में यहां पर e स्क्वायर h प्लस सेकंड की क्या हो जाएगी बेटा 2 इनटू e पावर 4h प्लस 2 e पावर 6h एंड सो ऐसे। तो यहां पर सिंपल सा अगर मैं आपसे बोलूं कि h प्लस यहां पर 2 e स्क्वायर h मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बचेगा मेरे पास में, यहां बचेगा 1 प्लस यहां आपका क्या बच जाएगा भाई e स्क्वायर प्लस यहां क्या बच जाएगा e पावर 4, है ना, क्योंकि 2 काउंट 2 हमने क्या किया कॉमन किया। ठीक एंड सॉल्व ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो बनेगा ये क्या बन गया अपना एक जीपी बन गया, है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा कि एच प्लस 2 ई स्क्वायर एच और ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो डिफरेंस है अपना, है ना, जीपी में जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे ये 1 है ये ई स्क्वायर है ई पावर 4 है तो 1 माइनस ई, क्योंकि जीपी का जो समेशन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, आर कब होता है 1 माइनस आर कब होता है, जब आर की वैल्यू आपकी 1 से कम, और r माइनस 1 कब होता है जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो अभी यहां पर e की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो सकती है अपने पास में, इसलिए 1 माइनस e स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से आएगा भाई कि h मैंने कॉमन कर लिया, ये 1 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर बना। ठीक, इसको और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनी हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे वो। आई बात समझ में, ई की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं ई और एच की वैल्यू मिलने पर मैं ये निकाल सकता हूं कि ये जो बॉल है वो टोटल रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको करने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।